हेलो एवरीवन, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फिलो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीयू क्वेश्चन पेपर्स के बारे में। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपके सामने डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन है। तो इसी वेबसाइट पर आपको जाना है एंड कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा। तो जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने इंडेक्स ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स लिखा होगा। तो यहीं पर आपके सामने चार ऑप्शन हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं, पेरेंट्स डायरेक्टरी, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट। तो यहां पर आपको अंडर ग्रेजुएट पर क्लिक करना है एंड अगेन आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे। तो ये कुछ कोर्सेज हैं आपके सामने, आप पढ़ सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट भी हैं, एबिलिटी एनहेंसमेंट, एलिड कोर्स, बीए प्रोग्राम, सीबीसीएस, बीए बीएससी मैथ्स, बीए पास, बीए प्रोग्राम, बीए होनर्स, बीए बीकॉम होनर्स। तो ये सभी सब्जेक्ट, सभी कोर्सेज के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो जो भी कोर्स आप कर रहे हो उसी पर आपको क्लिक करना है। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको बीए प्रोग्राम सीबीसीएस पर क्लिक करके दिखाती हूँ, क्योंकि यह हमारा सीबीसीएस सिस्टम है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो हमें फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं सीबीसीएस का जो सिस्टम है वो 2019 में ही आया था एंड फर्स्ट टाइम इसके एग्ज़ाम्स हुए थे। एग्ज़ाम्स भी अगर हम ना बोलें, असाइनमेंट हुए थे। तो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ में 2015 का एक क्वेश्चन पेपर दिखाए गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं जिसमें बीए प्रोग्राम सीबीसीएस टैक्स प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस इनडायरेक्ट टैक्स सेमेस्टर फर्स्ट। तो ये सब्जेक्ट हमें बताए गए हैं कि किस किस सब्जेक्ट का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। तो ये आप पढ़ सकते हैं अगर किसी भी सब्जेक्ट का आपको देखना हो। तो यहाँ पर जो हमारे नॉर्मल सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, हिंदी, इंग्लिश, उसका कोई भी क्वेश्चन पेपर नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम इस पेज पे से हट जाते हैं एंड हम बीए प्रोग्राम पर क्लिक करते हैं। देन हमारे सामने थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमें 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं। लास्ट 10 ईयर में जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सभी के क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इन क्वेश्चन पेपर से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो मैं आपके सामने 2015 का क्वेश्चन पेपर दिखाती हूँ। तो ये आ गए हैं हमारे सामने सब्जेक्ट। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज का है, तो इसी को हम ओपन करके देख लेते हैं। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन पेपर आ चुका है, आप पढ़ सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज है, बेसिक इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है, टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 100। तो 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर है। ओ अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, जो तो इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ये सभी हमें अटेम्प्ट करने हैं, किसी में भी चॉइस नहीं है। तो ये आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हमें पैराग्राफ दिया गया है एंड नीचे कुछ क्वेश्चन हैं जो कि मल्टीपल चॉइस हैं, इनका आंसर हमें करना है। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। तो ये क्वेश्चन जो है इनका आंसर हमें ब्रीफली देना है एंड नीचे ट्रू और फॉल्स हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है बी क्वेश्चन एंड सी जो आता है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं, या हमें फिलअप्स फिल करने हैं। एंड जब हमारा सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो इसमें भी हमें एक पैराग्राफ दिया गया है एंड नीचे उसके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें भी सेम वही है, हमें फर्स्ट में सभी का आंसर ब्रीफली देना है, सेकंड ट्रू फॉल्स हैं, थर्ड हमारे फिलअप्स होंगे। तो हमें कुछ वर्ड हैं इनकी मीनिंग बतानी है एंड क्वेश्चन थर्ड हमारा है, हमें मैच करनी है, मैचेस दिए गए हैं हमें एंड नीचे कुछ और कुछ सेंटेंस हैं, हमें उन्हें फिल करना है। उसमें कुछ मीन्स कुछ वर्ड छूटे हुए हैं तो उनको हमें फिल करना होगा। देन ये हमारे सामने फिल इन द ब्लैंक्स आ गए हैं अगेन। तो तीन बार हमारे सामने फिल इन द ब्लैंक्स आ चुके हैं एंड ये आप देख सकते हैं कुछ वर्ब की फॉर्म दी गई हैं, तो उसमें भी ये वर्ब की फॉर्म हमें सेंटेंसेस में फिल करनी है। तो ये हमारे सामने इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है। तो इसी तरह से आप और ईयर के मीन्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं कि उनमें किस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न था, किस तरह से कौन कौन से क्वेश्चन अगेन अगेन रिपीट किए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रू फॉल्स बहुत ही ज़्यादा दिए गए हैं और जो सेंटेंसेस हैं मीन्स ग्रामर इसमें बहुत ही ज़्यादा पूछी गई है, कुछ वर्ड्स की मीनिंग भी पूछी गई है, वर्ब्स की फॉर्म दी गई हैं जिन्हें हमें फिल करना है
एंड हमें मैचेस दिए गए हैं करने को, फिलअप दिए गए हैं, तो ये क्वेश्चन 3-4 बार अगेन रिपीट हुए एक ही क्वेश्चन पेपर में। तो इस बात से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसी तरह के क्वेश्चंस अगेन इस बार भी जो 12th ऑफ दिसंबर से हमारे एग्ज़ाम्स हैं उसमें पूछे जा सकते हैं। तो इसमें कोई भी शक की बात नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो इसलिए आप अपनी तैयारी करके चलिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप थोड़ी सी भी कंफ्यूजन अपने माइंड में क्रिएट करते हैं तो इसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यह इंग्लिश की बात की थी हमने, अगर हम किसी और सब्जेक्ट की बात करें तो वो भी हम देख लेते हैं, कोई और सब्जेक्ट जो कि बेसिक होता है सब बच्चों के पास। हिस्ट्री है तो हिस्ट्री बहुत ही बच्चों के पास होता है बीए में, तो उसका भी हम देख लेते हैं। तो हमारे सामने पीडीएफ ओपन होने वाली है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं पीडीएफ ओपन होने का। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हिस्ट्री की पीडीएफ हमारे सामने ओपन हो चुकी है। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया अप टू 8 CAD, तो 8th century की हमारे सामने पीडीएफ है। इसमें भी टाइम लिमिट 3 hours है, मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं। तो आप पढ़ सकते हैं, इस प्रश्न पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए। तो इंग्लिश या हिंदी किसी भी मीडियम में हम दे सकते हैं, बट सभी क्वेश्चन हमारे एक ही मीडियम में होने चाहिए। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, तो सभी क्वेश्चन के मार्क्स सेम हैं। एंड अटेम्प्ट 5 questions इन ऑल, सिलेक्ट एटलीस्ट 2 questions फ्रॉम ईच यूनिट। तो हमें एक यूनिट में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें से हमें कोई 2 चूज करने हैं, एंड टोटल 5 questions के हमें आंसर देने हैं। तो यूनिट फर्स्ट है हमारे सामने, देख सकते हैं क्वेश्चन में आपको पढ़ के बता देती हूँ। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन है तो पुरातात्विक स्रोतों के महत्व का मूल्यांकन कीजिए, तो ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। एंड सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में पुरापाषाण से नवपाषाण काल तक हुए परिवर्तनों की विवेचना कीजिए। तो फर्स्ट सेमेस्टर आई होप आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हो, तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको पता होंगे। नहीं पता तो कोई बात नहीं, हड़प्पा के शहरीकरण की मूलभूत विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। तो हड़प्पा के बारे में मुझे आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता इतनी फेमस सभ्यता है कि सभी बच्चों को इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि हमने 12th class में भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया था हड़प्पा सभ्यता के बारे में। एंड क्वेश्चन 4 है हमारा, ऋग्वैदिक तथा उत्तर वैदिक काल की सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों की तुलना कीजिए। तो क्वेश्चन पढ़ के आप समझ ही गए होंगे कि ऋग्वेद काल में एंड उत्तर वैदिक काल में क्या क्या सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां थी, किस तरह से विशेषताएं थी, उनमें क्या क्या डिफरेंस आता चला गया, क्या क्या बदलाव आते चले गए, उन सभी के बारे में हमें यहाँ डिस्कस करना है। क्वेश्चन 5 है हमारे सामने, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, किन्हीं 2 पर हमें डिटेल लिखनी है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में भौगोलिक क्षेत्रों का महत्व, एंड बी है शैल कला, सी ताम्रपाषाण संस्कृति, एंड डी है महापाषाण संस्कृति। तो आई होप आपको ताम्रपाषाण एंड महापाषाण संस्कृतियों के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। तो अगर इसी तरह का आपके सामने क्वेश्चन पेपर आ जाता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, सब कुछ आप गूगल पर सर्च करके, या आपकी ओल्ड बुक्स भी हैं तो उसमें भी आप देख सकते हैं, सभी के आंसर आपको इजीली मिल जाएंगे। और अगर आगे कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए मैं हूँ ना, कोई वीडियो अगर आपको चाहिए तो मैं उसके लिए ज़रूर बनाऊँगी। आप बस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको डिफ़िकल्ट लगता है तब। तो क्वेश्चन 6 हम देख लेते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास में 6th शताब्दी में ईसवी पूर्व के महत्व का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो यहाँ में 6th शताब्दी ईसवी पूर्व में जो भी महत्व है, जो इतिहास है, उसका आलोचनात्मक परीक्षण करना है। एंड 7th question है, अशोक के धम्म की मुख्य विशेषताओं एवं उद्देश्यों का विश्लेषण कीजिए, क्या यह मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी था। तो यह क्वेश्चन भी आपने पढ़ा होगा, 12th में ये सब टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, 12th की बुक में हमने सब कुछ बेसिक अपना क्लियर कर लिया था। क्वेश्चन 8 है, संगम साहित्य में प्रतिबिंबित लोगों के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन की विवेचना कीजिए। तो और क्वेश्चन से आप इन्हें पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसी तरह से आप सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो अगर हम बात करें किसी और, ये तो हमने बीए प्रोग्राम की बात की थी, एंड अगर हम बात करें किसी और कोर्स की तो वो आप देख सकते हैं यहाँ बीकॉम हॉनर्स में भी। मैं आपको बता देती हूँ, हम अभी हम फर्स्ट ईयर में हैं, तो फर्स्ट ईयर पर ही हमें क्लिक करना है। देन ये हमें ईयर दिए गए हैं कि कौन से ईयर का क्वेश्चन पेपर हमें चाहिए, तो जिस भी ईयर का हम चाहते हैं उस पर क्लिक कर सकते हैं। देन
हमारे सामने क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। इस पर हम क्लिक करते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ बिजनेस का। अगर हम क्वेश्चन पेपर देखें तो ये क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आ चुका है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। 75 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, टाइम लिमिट 3 आवर्स है। तो ये हम पढ़ लेते हैं क्या गाइडलाइंस हैं। इस प्रश्न पत्र का उत्तर अंग्रेजी, सेम वही प्रोसेस बताया गया कि एक ही मीडियम में हमें आंसर करना है। सभी क्वेश्चंस का आंसर एक ही मीडियम में होना चाहिए और सभी प्रश्न कीजिए, सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, किसी में भी हमें चॉइस नहीं दी गई है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है सेवा की संकल्पना को उदाहरण स्पष्ट कीजिए, सेवा के अभिलक्षण क्या है। इंग्लिश में अगर आपने इंग्लिश मीडियम चूज किया है तो इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विस, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विस। तो ये आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चंस हमें हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में दिए गए हैं। तो जो भी मीडियम आपने चूज किया है उसमें आप अपने आंसर कर सकते हैं, ज़्यादा हार्ड कुछ भी नहीं है, जिसने पढ़ा हो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो ये बिजनेस का क्वेश्चन पेपर था, इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट के भी यहाँ क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं। तो आप डी ओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके इन सभी क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल लगी हो। और जिन बच्चों को अभी तक एग्ज़ाम्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्या पैटर्न है, किस तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उन बच्चों तक आप ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि तभी आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। सो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक।